स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे राजस्थान की कृषि के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम राजस्थान की कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम कृषि से संबंधित क्षेत्र है, जैसे उद्यानिकी है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है आदि कृषि से संबंधित अन्य जो रोजगार के क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसलिए कहे जा सकते हैं कि इसमें एकदम करंट डाटा जो कि सामान्य रूप से पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम राजस्थान की कृषि का एक मेन चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम देखें तो राजस्थान की कृषि का राज्य की सकल घरेलू आय में कितना परसेंट हिस्सा है इसके बारे में हम देखें तो देखिए 2020-21 में राजस्थान को सकल घरेलू उत्पादन है उसमें 29.77% हिस्सा कृषि से प्राप्त हो रहा है। और 2020-21 के लिए भी हम प्रारंभिक अनुमान लगाएं तो राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो लगभग 271.33 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में, जो कि पिछले वर्ष था 265.81 लाख टन, उसकी तुलना में लगभग 2.08% अधिक है। अगर हम बात करें ऋण की बात करें तो राज्य में 24.97 लाख किसानों को वर्ष 2020-21 में मध्यकालीन ऋण जो कि कृषि और गैर कृषि से संबंधित थे दिए गए, उसमें 244.31 करोड़, और अल्पकालीन जो फसल के लिए ऋण दिए जाते हैं वो लगभग 11,007.74 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके अलावा देखिए राजस्थान राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना के अंतर्गत 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 1,345 किसानों को 19.94 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। इसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र 2020-21 के दौरान 9,504 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का हमने सृजन किया है। इसके अलावा 2020-21 में पशुओं की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए 134.38 लाख टीकाकरण किए गए, नस्ल सुधार के लिए 218 लाख बड़े पशु का मतलब है इसमें गाय, बैल, ऊंट, हाथी, घोड़े, और लगभग 3.88 लाख छोटे पशु जिसमें बकरी, भेड़ ऐसे का बंध्याकरण किया गया, और 24.62 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। कृत्रिम गर्भाधान से अच्छे नस्ल के पशु उत्पाद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, और ये भी प्रयास किया जाता है कि सामान्य रूप से जो गोवंश है उसमें फीमेल चाइल्ड जो होता है वो तो दूध देने के काम आता है, पर सामान्य रूप से जो मेल पशु होते हैं वो किसी काम नहीं आते हैं। तो इस कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के द्वारा ये भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो गायों के बच्चे हों वो मेल ही फीमेल ही हो। इसके अलावा सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में दिसंबर 2020 तक 25.53 करोड़ रुपए खर्च करके हमारे यहाँ 5,011 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये एक हमने छोटा सा देखा कि कृषि का परिदृश्य क्या है इसके बारे में बात करें कि यानी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि व सहायक क्षेत्रों की भूमिका राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे फसल हो, पशुधन हो, वानिकी हो, मत्स्य, ये सभी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों में शामिल किए जाते हैं।
अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए करें तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसी न किसी रूप में हमें कृषि व कृषि से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और यह अर्थव्यवस्था मूलतः वर्षा आधारित है, क्योंकि राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग, लगभग 61% भूभाग हमारा मरुस्थलीय है। तो और दूसरी चीज़, राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित होने की वजह से हमारे यहाँ मानसून बहुत विलंब से भी आता है और जल्दी चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी बहुत उतार चढ़ाव रहता है, कब अपर्याप्त वर्षा रहती है, कम वर्षा रहती है, अनिश्चित वर्षा रहती है। और भूमिगत जल स्तर बड़ी तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि व संबद्ध राज्य अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। अगर हम इस चित्र को देखें तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र, जो हमने पहले से भी चर्चा की है, 2015-16 में देखें तो ये कृषि से संबंधित क्षेत्र 1.37 लाख करोड़ रुपए हमको उत्पादित करके देता था। वह 2020-21 में 177 लाख करोड़ हो गया, जो कि 5.26% की दर से हमारे यहाँ कृषि का भाग बढ़ रहा है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में राज्य का सकल, अगर आप देखें जीडीपी का, 2015-16 में 1.68 लाख करोड़ रुपए था, जो ये देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दो चीज़ दे रखी है, प्रचलित कीमतों और स्थिर मूल्यों पर कृषि व संबद्ध क्षेत्र में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है, इसमें दे रखा है। तो 2015-16 में 1.68 लाख करोड़, ये देखिए 1.50 से थोड़ा ऊपर है, ग्रीन आप दिख रहा है, तो ये 1.68 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 2020-21 की अगर हम बात करें तो 2020-21 में देखिए 2.0 से ऊपर जा रहा है। ये बता रहा है कि 2.68 लाख करोड़ हो गया, जो 9.81% वार्षिक वृद्धि दर को दिखा रहा है। अगर हम स्थिर मूल्य पर हम बात करें तो देखिए, स्थिर मूल्य की बात करें तो हमने स्थिर कीमतों पर जो लिया है उसको लाल से दिखाया गया है, और प्रचलित कीमतों पर हमने इसको ग्रीन से दिखाया गया है। 2020-21 में 2019-20 की तुलना में 3.5% वृद्धि हुई है। ये देखिए रेड थोड़ा सा बढ़ा है, लगभग 3.45% बढ़ा है। 2015-16 में थोड़ा ये कम हुआ था, और 2016-17 में जो ग्रोथ है वो 8.72% रही है। इस प्रकार से हम देखें तो पहली चीज़ ये हमको ये ध्यान में रखनी है कि जो कृषि और संबंधित क्षेत्र है, इसका योगदान 2011-12 में 28.56% था, जो कि 2020-21 में 29.77% जीडीपी में हो गया। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में, संबद्ध क्षेत्र की हम बात करें तो पशुधन, मत्स्य, वानिकी, लॉगिंग, इन सभी चीज़ों का इसमें शामिल किया जाता है। 2020-21 में फसल का हिस्सा था 48.36%, पशुधन का हिस्सा 42.62% था, वानिकी व लांगिक क्षेत्र का 8.6% था। इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये देखिए 2018-19 का डाटा दे रखा है, 2018-19 का डाटा या 2018-19 का डाटा, वो ग्राफ इसमें नहीं है, मैं अब चर्चा कर देता हूँ। 2020-21 में कृषि से संबंधित जो क्षेत्र था उसको, उससे 42.62% हिस्सा मिला था। इसके अलावा कृषि से 48.36% हिस्सा मिला था, पशुधन क्षेत्र से 42.62% हिस्सा मिला था, वानिकी व लौंगिक क्षेत्र से हमको 8.67% मिला था, और कृषि बाकी जो मत्स्य क्षेत्र है उससे 0.34% हिस्सा हमको मिला था। भू उपयोग की बात करें तो भू उपयोग का हमारे पास ये एक डाटा दे रखा है। राजस्थान में कुल, अगर हम 18-19 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 18-19 में 362.87 लाख कुल लाख हेक्टर हमारे पास ज़मीन थी, उसका 8.05% यानी 27.60 लाख हेक्टर वानिकी के अंतर्गत था। ये देखिए इसमें वानिकी बताया गया है, फर्स्ट जो वानिकी आपको ब्लू कलर से बताया गया है 8.05%। इसके बाद में आप देखिए कृषि के लिए अतिरिक्त अन्य भूमि
6.95% ये देखिए ये दिखा रखा है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि थी जो 6.95% से शो की गई है। कृषि के इसके अलावा कृषि के लिए अयोग्य भूमि 23.83 लाख हेक्टर ऊसर व कृषि के लिए अयोग्य भूमि थी जो कि आपको 4.86% से दिखा रखी है इस ग्राफ में। इसके अलावा 27 चरागाह व अन्य गोचर भूमि 0.08% क्षेत्रफल है जो 0.26 लाख हेक्टर है। वृक्षों के झुंड व बाग के अंतर्गत 11.04% भूमि है जो 37.84 लाख हेक्टर है। बंजर भूमि 6.14% है जो 21.06 लाख हेक्टर है। अन्य चालू पड़त भूमि 5.52% है, ये देखिए 5.52% दे रखी है, 5.22% लास्ट में जो दे रखी है ये, और 51.85% भूमि जो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है जो कि ग्रीन से दिखाया गया है। इस प्रकार देखिए 8.05% वानिकी है कृषि के लिए, अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि 5.83% है, ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि 6.95% है, स्थायी चरागाह के लिए 4.86% है, वृक्षों के झुंडे व बाग 0.08% है, बंजर भूमि 11.04%, अन्य चालू परत भूमि 6.14% है, चालू परत भूमि 5.12% है, और लगभग जितनी कृषि भूमि है उसका 51.85% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। अब प्रचलित जोत की हम बात करें तो कृषि गणना 15-16 के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल भूमि जोतों की संख्या हमारे यहाँ थी 76.55 लाख, 2010-11 में ये 68.88 लाख थी जो बढ़कर 76.55 लाख हो गई, अर्थात भूमि की जोतें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कारण है हमारे यहाँ उत्तराधिकार का नियम है, उसकी वजह से जोतों का साइज, एक पिताजी के दो लड़के होते हैं तो उसके खेत दो भागों में बढ़ जाते हैं, और अगर उसके चार लड़के हैं तो खेत चार भागों में बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए मुख्य रूप से सीमांत जोत जो कि एक हेक्टर से कम होती है उसे सीमांत जोत कहते हैं, लघु अर्ध मध्यम जो 1 से 2 हेक्टर होती है, फिर मध्यम जोत और बड़े आकार की जोत कुल होती है। देखिए जितनी हमारी जोत है उसका 40.12% हमारी सीमांत जोत है, 21.90% लघु अर्ध मध्यम जोत है, 18.50% हमारी जो है वो मध्यम व बड़े आकार अर्ध मध्यम जोत है, और केवल 4.69% है वो बड़े आकार की हमारे यहाँ जोत है। इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जोत का आकार बहुत ही कम है। इसका हमने एक डाटा भी लिया है जो जोतों की संख्या को बताता है, ये इसमें तालिका में दिखा है, लिंगानुसार जोतों के मुख्य आकार वर्ग के अनुसार प्रचलित जोतों की संख्या। तो देखिए सीमांत जोत जो कि 1 हेक्टर से कम होती है उसमें पुरुषों के नाम पर 2010-11 में 2268,000 या हम कह सकते हैं 22.68 लाख जोतों की संख्या थी, और स्त्री के नाम पर 2.39 लाख थी। संस्थागत जोतों की संख्या 4,000 थी। 2015-16 में इस डाटा को देखें तो ये 26.83 लाख हो गई, देखिए 22.68 से बढ़कर 26.83 लाख जो सीमांत जोत है उनकी संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है हमारी जोतों की संख्या बहुत तेज़ी से छोटी होती चली जा रही है। ये देखिए 2010-11 से 2015-16 तक 18.30% जोतों की संख्या बढ़ी है, और महिला जोतों की संख्या में तो 60.67% का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप जोतों को क्षेत्रफल की बात करें तो 11.22 लाख हेक्टर जोत पुरुषों के नाम थी, 1.16 लाख हेक्टर महिलाओं के नाम थी, जो 15-16 में 13.04 लाख हेक्टर हो गई। तो यहाँ देखिए जोतों में सीमाएं बढ़ रही है, इसका मतलब है जो हमारी लघु जोत है वो भी सीमांत जोत में कन्वर्ट होती चली जा रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। जोतों को क्षेत्रफल को भी इसमें शो किया गया है कि किस प्रकार से
16.43% की दर से हमारे यहाँ जोतों का क्षेत्रफल भी चेंज हुआ और महिलाओं में ये 52.559 रहा। जोतों का क्षेत्रफल में संस्थागत जोतों की संख्या वही है। अब हम बात करते हैं मध्यम लघु जोतों की। सीमांत जोत जो कि 1 हेक्टर से कम होती है, लघु जोत 1 से 2 हेक्टर की होती है उसे लघु जोत की संख्या दी जाती है। संख्या की दृष्टि से देखें तो 13.89 लाख पुरुषों के नाम थी और 1.20 लाख महिलाओं के नाम थी। संस्थागत जोत 2 ही थी। ये देखिए बढ़कर 15.14 लाख हेक्टर हो गई है, यानी लघु जोत भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो बड़ी जोत है, अर्ध मध्यम और मध्यम जोत है, वो लघु में कन्वर्ट हो रही है, लघु जोत सीमांत में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 22.38 लाख हेक्टर इसमें जो है लघु जोत, 19.88 लाख हेक्टर जमीन पुरुषों के नाम लघु जोत में है और एक जो 2015-16 में बढ़कर 21.58 लाख हो गई, लगभग चेंज इसमें हुआ 8.55% और महिलाओं में चेंज हुआ 32.75%। तीसरी जो बात है अर्ध मध्यम जोत की बात करते हैं। देखिए हमको ये यहाँ ध्यान रखना है कि लघु जोत 1 हेक्टर से, सीमांत जोत 1 हेक्टर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टर और अर्ध मध्यम जोत आएगी वो आएगी 2 से 4 हेक्टर की जोत होती है, उसको अर्ध मध्यम कहते हैं। इसमें पुरुषों के नाम 12.40 लाख हेक्टर थी 2011-12 में, अभी है 12.97 लाख। स्त्रियों के नाम 0.92 लाख थी जो बढ़कर 1.16 लाख हुई और ये क्षेत्रफल का डाटा इसमें दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम जोत की। हमारे यहाँ मध्यम जोत उस जोत को कहा जाता है जो 4 हेक्टर से बड़ी होती है और 10 हेक्टर से छोटी होती है। ये देखिए मध्यम जोत की संख्या अब घटने लगी है, 10.51 लाख पहले थी जो घटकर 10.38 लाख हो गई है और महिलाओं के नाम पहले 74,000 थी जो घटकर अब जो बढ़कर 91,000 हुई है। और इसी प्रकार से अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल पहले की तुलना में अगर आप प्रतिशत की बात करें तो देखिए 1.24% गिरा है, महिलाओं में 22.97% बढ़ा है। क्षेत्रफल की बात करें तो पहले 64.59 लाख हेक्टर था जो घटकर अब 63.34 लाख हेक्टर हुआ, 1.94% क्षेत्रफल घटा है। अब बात करते हैं बड़े आकार की जोत जो कि 10 हेक्टर से अधिक जोत जो है उसको हम बड़े जोत कहते हैं। पहले ये इसकी संख्या थी 3.81 लाख जो घटकर 3.34 लाख हो गई, यानी लगभग 12.34% हमारी जो मध्यम जो बड़ी जोत है वो गिरी है। इसी प्रकार महिलाओं के नाम पहले 21,000 थी अब 23,000 हो गई, यानी इनमें 9.52% बढ़ा है। तो इस प्रकार से आप देखें कि कुल जोतों की संख्या जो है वो आप देखें तो 2010-11 में जोतों की संख्या थी 68.88 लाख जो अब बढ़कर 76.55 लाख हो गई है। और क्षेत्रफल जो है जोतों में, वो जोतों का क्षेत्रफल 2011-12 में जो था 21.136 लाख था जो 20.873 रह गया, यानी कुल कृषि योग्य भूमि भी हमारे यहाँ घट रही है। इसका कारण है बहुत सारी कृषि भूमि को हम किस में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, हम कृषि भूमि को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं मानसून के बारे में बात करते हैं। सामान्य रूप से हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर है और मानसून की अवधि भी कम है। मौसम की स्थिति अस्थिर होने के कारण किसानों को वर्षा और भूमिगत दोनों जलों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे यहाँ वर्षा की प्रवृत्ति ये स्पष्ट करती है कि हमारे सामान्य रूप से 15 जून को मानसून आता है, यानी सामान्य भारत में राज्य में 15 जून को मानसून आता है, जो कभी देर भी हो जाती है 24 जून तक भी हो जाता है। और मोटा मोटी हमारे यहाँ 1 जून से 30 सितंबर की अवधि में वर्षा होती है। कृषि उत्पादन की हम बात करें तो कृषि उत्पादन का ये समंक दिया गया है। हमारे यहाँ 2018-19 में अनाज का उत्पादन लाख हेक्टर में 90.92 लाख हेक्टर में अनाज का उत्पादन किया गया, जो 2020-21 में बढ़कर 96.38 लाख हेक्टर हो गया। उत्पादन की बात करें तो अनाज का उत्पादन
2018-19 में 194.02 लाख टन था, जो बढ़कर 2020-21 का अनुमान है कि 222.45 लाख टन होने का है। इसमें आप देखेंगे कि अगर हम देखें खरीफ और रबी की फसल की बात करें, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ खरीफ की फसल जो कि वर्षा आधारित फसल होती है उसमें उत्पादन अधिक होता है। देखिए 2018-19 में कुल 90.92 लाख हेक्टर में बुवाई की गई, उसमें से 58.66 लाख हेक्टर जो था वो खरीफ की फसल थी और 32.26 लाख हेक्टर रबी की फसल थी। तो आप देखेंगे लगभग रबी में हमारा जितनी खरीफ में फसल उगाई जाती है उसका आधा, लगभग आधा भाग ही हमारे यहाँ खरीफ में, रबी में उगाया जाता है। 2020-21 की बात करें तो यहाँ देखिए 60.92 लाख हेक्टर में कुल खरीफ की फसल उगाई गई, जबकि 45.46 लाख हेक्टर में ही रबी की फसल का उत्पादन किया। अब उत्पादन की बात करते हैं तो देखिए उत्पादन खरीफ में देखिए और रबी में देखिए, खरीफ में आप देखिए ज़्यादा लाख हेक्टर में हम उत्पादन करते हैं जो कि वर्षा आधारित है, पर उत्पादन जो है वो 66.22 लाख टन ही है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बाजरा और मोटा अनाज बोया जाता है, जबकि रबी की फसल में गेहूं और चना बोया जाता है। उसका उत्पादन 127.80 लाख टन 2018-19 में था। अगर 2020-21 में देखें तो हमारे यहाँ खरीफ का उत्पादन बढ़कर 90.41 लाख टन होने का अनुमान है और रबी की फसल 132.04 लाख टन होने का अनुमान है। अब बात करते हैं, अनाज की बात हमने करी, दलहन को देखें तो दलहन का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 42.75 2018-19 का है, यानी देखिए दलहन का क्षेत्र गिर रहा है 42.75 से 39.95 हो गया। और उत्पादन देखें तो पहले 18.68 लाख टन था, जो अभी 20.01 लाख टन होने की संभावना है। इसी प्रकार से रबी का डाटा यहाँ दिया गया है। इसके अलावा देखिए अगर हम दोनों ही खाद्यान्न को जोड़ दें तो उसका डाटा आपको दे रखा है कि लगभग दोनों ही डाटा जोड़ें तो 171.33 लाख टन कुल उत्पादन होने का संभावना है, जिसमें अनाज और दालें शामिल हैं। अब देखिए तिलहन की बात करें तो तिलहन में भी रबी में ज़्यादा उत्पादन होता है, खरीफ में कम उत्पादन होता है। ये तिलहन देखिए 2018-19 में तिलहन का उत्पादन का क्षेत्रफल था 19.88 लाख टन, जबकि रबी में था 28.25 लाख टन। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 2020-21 में खरीफ की फसल में तिलहन का उत्पादन होने का संभावना है 37.94 और जबकि रबी की फसल में 49.21 लाख टन उत्पादन होने का है। इसके अलावा कुछ मात्रा में राजस्थान में गन्ना भी बोया जाता है। क्षेत्रफल इसका 2018-19 में 0.05 लाख हेक्टर था, जो अभी भी लगभग यही है। और उत्पादन जो था 2018-19 में 4.48 लाख टन था, जो गिरकर 2.84 लाख टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार से कपास भी राजस्थान में बोई जाती है। 2018-19 में 6.29 लाख हेक्टर में कपास का उत्पादन हुआ था, वर्तमान में 8.08 लाख हेक्टर में कपास उत्पादन होने की संभावना है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 2018-19 में 20.43 लाख गांठों का उत्पादन इसमें हुआ था, अभी 28.33 लाख गांठें का उत्पादन होने की संभावना है। ये एक हमने थोड़ा सा देखा कि किस स्थिति में हमारे यहाँ तिलहन और खाद्यान्न व तिलहन का उत्पादन होने की संभावना है। ये देखिए इसमें खाद्यान्न व तिलहन के उत्पादन को एक ग्राफ से भी बताया गया है कि 2018-19 में 194.02 लाख टन हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन होने का था, 37.58 लाख टन दालों का उत्पादन और 76.64 लाख टन तिलहन का उत्पादन था। 2020-21 में देखें तो हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन 222.45 लाख टन होने का अनुमान है, वहीं दालों का 48.88 लाख टन और तिलहन का उत्पादन 87.15 लाख टन होने का अनुमान हमारे यहाँ लगाया गया है। अब हम बात करते हैं कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है,
उसके बारे में बात करते हैं। पहली योजना हमारे यहाँ मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज का निर्माण बढ़ाना है, यानी किसान अपने खेतों में अच्छी किस्म के बीज बोए। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना हमारे यहाँ प्रारंभ की गई। इस योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से 3 जगह किया गया, कोटा, भिलवाड़ा और उदयपुर में किया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि योजना 3 जगह चालू की गई, कोटा, भिलवाड़ा और उदयपुर में। 2018-19 में राज्य के समस्त 10 जगह इसको अब प्रारंभ किया गया है। इस योजना में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, इनका 10 वर्ष तक पुरानी किस्म का उत्पादन को सुधार कर नई किस्म के बीज बोने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा गैर संस्थानिक क्षेत्रों में कीट व रोगों का उन्मूलन की एक योजना है। उत्पादन के लिए इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल ETL बोलते हैं से नीचे, यानी जितने जीव हमारे फसल के लिए आवश्यक है उतना रखें, उससे ज़्यादा जीव नहीं रहे कि वो फसल को नष्ट करें, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। इसमें फसल के कीड़े हैं, कीटों और बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें टिड्डी व अन्य कीट रोगों के उन्मूलन के लिए पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान इसमें रखा गया है। तीसरी योजना महिला प्रशिक्षण। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तथा महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है ताकि वह तकनीकी ज्ञान को हस्तांतरित कर सके। और इसमें जो महिलाएं प्रशिक्षण लेती है उनको 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार जो बालिकाएं कृषि शिक्षा में प्रवेश लेती है उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी सरकार ने घोषित की है। इसमें स्नातकोत्तर तक कृषि विभाग उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के लिए अलग अलग प्रोत्साहन राशि देता है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि रखने में 5,000 प्रति छात्रा, स्नातक कृषि विषय से करने पर 12,000 रुपये प्रति छात्रा, PG कृषि में करने पर और PhD कृषि से संबंधित विषय पर करने पर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अलावा देखिए कृषि प्रदर्शन, ये प्रदूषण आ गया है, कृषि प्रदर्शन है इसका। तो देखिए देखकर विश्वास करो इस सिद्धांत पर कृषि की तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल के प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कृषि प्रदर्शन। इसमें नई तकनीक का हस्तांतरण करने के लिए किसानों को उनके खेतों में ही जाकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा बीज मिनी किट, विभिन्न नवीन फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 0.1 हेक्टर के लिए बीज मिनी किट कृषकों को टोकन राशि पर उपलब्ध करते हैं ताकि वो एक बार थोड़े से हिस्से में उसको बोकर देखें और पुरानी जो उसके बीज हैं उनसे उनकी तुलना करके वो देखें कि नया बीज अगर अच्छा है तो फ्यूचर में वह नया बीज ही प्रयोग में लें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक मिनी किट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है, जो मिट्टी और पानी के परीक्षण के आधार पर अलग अलग खेतों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है, उसके आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाया देने के लिए 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक और योजना है, जिसके अंदर क्या करते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने 19-20 में इस बजट घोषणा में ये प्रारंभ किया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। एक पायलट प्रोजेक्ट है जो टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में चलाया जा रहा है। 2020-21 में यह कार्यक्रम राज्य के 15 जिलों में आंध्र प्रदेश के पैटर्न पर लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है, जिससे कृषक कृषि इनपुट्स पर आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन की लागत में कमी होगी और किसानों को कृषि उत्पाद रसायन मुक्त होंगे। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना RACP कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषकों
की आय में वृद्धि करने के लिए, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता युक्त कृषि करने के लिए, कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करने और कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा घोषित ये परियोजनाएँ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना ये राज्य के 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टरों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा देखिए और भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में 2007-08 में चालू की गई और मुख्य रूप से गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुख्य रूप से इसमें गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाता है, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है, किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराई जाती है, मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है वो उपलब्ध कराया जाता है, जिप्सम है वो उपलब्ध कराया जाता है, समन्वित कीट प्रबंधन का कार्य किया जाता है, कृषि यंत्रों जैसे फवारा, पंप सेट, सिंचाई हेतु पाइपलाइन आदि सभी चीज़ों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग दिया जाता है। इस योजना में राज्य के गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए 14 जिलों का चयन किया गया है। मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, इन 14 जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई है। राज्य में मोटा अनाज और मक्का के लिए भी ये योजना 5 जिलों में प्रारंभ की गई है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। मोटा अनाज के लिए 7 अन्य जिलों को भी सिलेक्ट किया गया है, जिसमें मोटा अनाज में जौ है, पहले मोटा अनाज में मक्का थी, दूसरे मोटा अनाज में जौ के लिए 7 जिलों को सिलेक्ट किया गया है, अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर जिले को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल योजना के अंतर्गत एक केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 2018-19 में प्रारंभ की गई। इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण किया जाता है, उत्पादन की तकनीक में सुधार के लिए जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना, समन्वित कीट प्रबंधन करना आदि सारी कार्य का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल योजना। इसमें जवार की फसलों के लिए 10 जिलों का चयन किया गया है, अजमेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली व टोंक। और बाजरे की फसल के लिए 21 जिलों का चयन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध संरक्षण को भी शामिल करता है। इस प्रकार से एक बहुत व्यापक योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस योजना के अंतर्गत तिलम और पाम ऑयल के लिए भी प्रयास किया गया है। इस मिशन में आधारभूत प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का वितरण, फसल प्रदर्शन आदि को ध्यान में शामिल किया जाता है। 2020-21 में इसमें 352.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 2020 तक इसमें 197.22 लाख करोड़ खर्च किए गए। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन, इसको बोलते हैं NMAET। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार व पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक व कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से यह योजना में भी केंद्र सरकार 60% देती है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन में मुख्य 4 उप मिशन शामिल किए गए हैं, कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज व रोपण संबंधी उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। इस योजना में 2020-21 में 96.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली देखिए राष्ट्रीय 12 नंबर पर आप देखिए राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। पूर्व में संचालित योजना जैसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक
खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंध परियोजना के अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र के विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन अभियोजना चालू की गई। इस योजना में भी केंद्र का हिस्सा 60% है और राज्य का हिस्सा 40% है। इसके अलावा देखिए, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समन्वित कृषि को योगदान देने की दृष्टि से ये वृक्ष आधारित योजनाएँ यानी उद्यान पर आधारित योजनाएँ राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम का विकास करने का प्रयास है और इनके पत्तों से वर्मी कंपोस्ट आदि की स्थापना का इकाइयों की स्थापना करने का प्रावधान है। इसके अगले देखिए 14 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। स्वस्थ धरा खेत हरा इस योजना का एक नारा है, स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी, बनाने का है। राज्य में कुल 6,940 गांवों का चयन करके वहां प्रत्येक खेत, प्रत्येक कृषक की मिट्टी और पानी का परीक्षण करके मृदा स्वास्थ्य व संतुलित पोषक का कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को उससे फ़ायदा मिले। इसके अलावा 15 नंबर पर देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक कृषि में पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीक के प्रयोग से रासायनिक व कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन करने की एक योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY योजना, इसके माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों में विश्वास कृषि के प्रति जगाने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कृषि वानिकी उप मिशन SMAF 16 नंबर पर देखिए, कृषि वानिकी उप मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषि वानिकी उप मिशन कार्यक्रम 2017-18 में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जिस क्षेत्र में जो वृक्ष लग सकते हैं उनका चयन करके वो उन वृक्षों का विकसित करने का योजना है। 2020-21 में इसमें 90.05 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको RKVY या राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों, मुद्दों और प्रौद्योगिकियों पर विचार करने के साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी, कृषि आदि सभी क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। सभी अन्य योजनाओं की तरह इसमें भी केंद्र के सरकार के द्वारा 60% हिस्सा दिया जाता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। 2020-21 में इस योजना पर 319.50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हम करते हैं, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना चलाई जाती है और कृषि व हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां इसमें क्रियान्वित की जाती है। इसमें भी 7% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार को द्वारा वहन किया जाता है। 2020-21 में इसमें 185 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक और जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016-17 से प्रारंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई, ये 2016-17 से प्रारंभ की गई और इस योजना में अनाज, मोटा अनाज, दालें आदि को शामिल किया गया है, बागवानी फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस योजना में कृषक से जितना बीमा होता है उस कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसलों में जितना बीमा होता है उसका 2% और रबी फसलों में 1.5% उसको देना पड़ता है और फसल का बीमा हो जाता है। कहीं कहीं ये बागवानी फसलों में 5% तक भी बीमा राशि ली जाती है,
भारत सरकार के द्वारा निर्देशानुसार खरीफ मौसम 2020-21 में 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% अधिकतम प्रीमियम का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा, जितने प्रीमियम होती है उसमें से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% प्रीमियम केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और 25% प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है और सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। एक और योजना टिड्डी प्रकोप नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना कि राजस्थान में कृषि की क्या स्थिति है और कृषि से संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। अधिकांश योजनाओं में हमने देखा कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% रहती है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 40% रहती है। इस वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी